अगर कोई बसें फ्री सेवा में चलाई तो रविंद्र मछरोली ने चलाई, समाड़खा हल्के में चलाई। इससे पहले कहीं भी कोई फ्री बसों की सेवा नहीं थी। तो हमने एक मन बनाया कि हम इस तरह की सेवा करेंगे, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। भाई मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं हरिद्वार जाएंगी और अपने बेटे को आशीर्वाद देंगी। और 2024 एक ही समीकरण है, क्योंकि 2014 भी वही चुनाव था, 2024 भी वही चुनाव है। ये कोई मैं नहीं कर रहा, ये जो मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, सब मिलके काम करते हैं। मैं कोई इतने लैंडलॉर्ड परिवार से नहीं हूँ कि मैं ये काम कर सकूँ। रविंद्र के अंदर कोई जातिवादी का कोई काम नहीं है, क्योंकि अब की बार ये तो चुनाव में उन्हें कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा कार्यकाल के बाद आज तक कोई काम नहीं होया, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। आप जाकर पता भी कर लो, देख भी सकते हो आप। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां के दावेदारों से रूबरू करवा रही है, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक रविंद्र मछरोली जी। आइए इनसे बात करते हैं। रविंद्र जी, पिछले चुनाव में इन्होंने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अब की बार पूरे जोश और खरोश के साथ जो है चुनाव में उतर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? रविंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। स्वागत है। मैं तो जो मेरे दर्शक देख रहे हैं उनको भी, और जो ना देख पा रहे, जिनसे प्रोग्राम को भी नहीं देख पा रहे, मैं उनको भी अपनी तरफ से, रविंद्र मछरोली की तरफ से, रविंद्र मछरोली के परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इनका बच्चा हूँ, इनका बेटा। रविंद्र जी, मेरा सबसे पहले आप पर एक आरोप है कि आपने हरियाणा में एक ऐसी राजनीति शुरू की कि आज राजनीति करने वालों के लिए राजनीति बहुत महंगी हो गई है। जो आपने बसें चलाई, जो आपने चक्कियां चलाई, जो आपने बुजुर्गों के लिए कपड़े बनवाए, जो आपने फ्री लोगों के लिए शगुन वगैरह की योजना चलाई, दुनिया भर की ऐसी योजनाएं चलाई कि हर हलके में आज बसें चलती दिखाई दे रही हैं, आप क्या कहोगे? देखो, ये सच्चाई है कि पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई बसें फ्री सेवा में चलाई तो रविंद्र मछरोली ने चलाई, समाड़खा हल्के में चलाई। इससे पहले कहीं भी कोई फ्री बसों की सेवा नहीं थी। 2012 से 13 से हमने बसें चालू करी थी, और अब जैसे ही हम विधायक बने, पहले खानपुर हॉस्पिटल के लिए फ्री सेवा में जा कर दी, हॉस्पिटल हमने यहाँ बनवाया, हमारा पानीपत बड़ा बन गया। उसके बाद हमने बसें अब कई सालों से हरिद्वार के लिए, जिसके अंदर खाना पीना रहना रास्ते में चाय का सब कुछ व्यवस्था इनके बेटे ने, इनके भाई ने की है। जो यात्री जाते हैं, मेरे बुजुर्ग जाते हैं, मेरी माताएं जाती हैं, जो भी जाता है उसको कोई टेंशन नहीं है कहीं भी। अब भाई वहाँ कोई रहने की व्यवस्था के लिए या खाने की व्यवस्था के लिए या रास्ते की व्यवस्था के लिए सब इनका बेटा, इनका भाई देखता है उस काम को लिए। क्योंकि हम गाँव जब जाते थे तो हमारे को एक ही चीज़ आती थी, बेटा हम तो कभी मैं पूछ लेता, ताई हरिद्वार गई है, दादी हरिद्वार गई है, चाचा हरिद्वार गया, अब बेटा कभी नहीं गया। तो हमने एक मन बनाया कि हम इस तरह की सेवा करेंगे, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। भाई मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं हरिद्वार जाएंगी और अपने बेटे को आशीर्वाद देंगी। तो ये हरियाणा में सबसे पहले हमने चालू करी थी। आज तो बहुत नेता चालू कर रहे हैं, और रविंद्र मछरोली ने कभी कोई भी काम किसी की रीस करके शुरू नहीं किया, जिसने जो काम किया और रविंद्र ने कभी नहीं किया। रविंद्र मछरोली ने अच्छा काम किया, समाज ने उसको एक्सेप्ट भी किया और एक इतिहास भी आपने रचा, लेकिन उसके बावजूद पिछले चुनाव में आपने ड्रॉप किया, ऐसा क्या कारण रहे? और नहीं, 2019 का चुनाव तो मैंने लड़ा ही नहीं ना, मैं तो काफ़ी बीमार होने के कारण मैंने छोड़ दिया था चुनाव। और 2024 एक ही समीकरण है, क्योंकि 2014 भी वही चुनाव था, 2024 भी वही चुनाव है, तो इसलिए छोड़ दिया था मैंने। इस बार के चुनाव में क्या नया है रविंद्र मछरोली, क्या नया लेके आ? देखो, रविंद्र मछरोली से कोई नया नहीं है। रविंद्र मछरोली ने फ्री सेवा के लिए एम्बुलेंसें चला रखी हैं, 5 एम्बुलेंसें, दिन में न्यारा, रात को न्यारी, ड्राइवर हैं, सबके लिए फ्री है। चाहे कोई दिल्ली जाओ, रोहतक पीजीआई जाओ, चंडीगढ़ जाओ, कहीं भी जाओ, सब फ्री सेवा में चलती हैं, दिन रात चलती हैं। पानी के टैंकर हैं, आँखें बनवाते हैं, कानों की मशीनें देते हैं, विवाह शादी में जिससे जो सहयोग होता है वो करते हैं। मतलब ये कोई मैं नहीं कर रहा, ये जो मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, सब मिलके काम करते हैं। मैं कोई इतने लैंडलॉर्ड परिवार से नहीं हूँ कि मैं ये काम कर सकूँ। मैं तो एक फौजी का बेटा हूँ, मेरे पिताजी भी फौज में थे, मेरे दादाजी भी फौज में थे, और हम तो एक बहुत गरीब परिवार से हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई लैंडलॉर्ड परिवार से हूँ। तो हम तो सिर्फ ये सेवा, ये पता नहीं है मेरे भाई कोई
सारे से किसके सारे से ये सब सेवाएं चलती हैं। लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी और कांग्रेस को आधी आधी सीटें मिली, 5-5 मिली, तो ऐसे में आप लोकल यहाँ पे समालखा में निर्दलीय का क्या मतलब भविष्य तलाश रहे हैं, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला देखा जा रहा है, तो ऐसे में निर्दलीय के रूप में आप आएंगे तो कैसे अपने आप वजूद तलाशेंगे? 2014 के अंदर मोदी जी की इतनी आंधी थी, शायद कोई सुनने को तैयार नहीं था, और इसने मेरे माताओं ने, मेरे बुजुर्गों ने, भाइयों ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया 2014 में भी, सब किलार को काटकर सिर्फ एक ही अपने बेटे को आशीर्वाद देने का, अपने भाई को आशीर्वाद देने का काम किया। सिर्फ उस आंधी के अंदर भी हमारे को 21-22 हज़ार वोटों से बनाया और इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि 2 MLA बना लेते उस आंधी के अंदर। आज तो कोई इतनी आंधी तो नहीं होगी, किसी भी पार्टी की नहीं होगी इतनी आंधी तो ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई। क्या है आज़ाद चुनाव लड़ना, आज़ाद चुनाव के अंदर क्या, जैसे हमने टिकटें ले ली, 4 आदमी ने टिकट ली, 4 कैंडिडेट हो गए, 5वां कैंडिडेट मैं हो गया, तो हमने 20,000 वोट भी तो कम लेनी पड़ती हैं। अगर मैं इन 4ों में एक टिकट मैंने ले ली तो 20,000 वोट भी तो ज़्यादा लूँगा जी, तो इसलिए मैं तो इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ता हूँ। समालखा में जातीय समीकरण बहुत देखे जाते हैं, गुज्जर, जाट, पंडित, इस तरह से, तो आप उस समय तो ऐसा था कि कोई जातिवादी की कोई बात ही नहीं थी, सभी रविंद्र मछरोली को देख रहे थे, यानी कि जो विरोधी पर्चा दाखिल करने के लिए भी अपने कोर्ट में नहीं पहुँच पा रहा था, लेकिन अब की बार आप क्या ऐसा मानते हैं कि आपने ऐसा क्या खास किया था उस समय कि अब की बार भी ऐसा ही माहौल बने? देखो 2014 से 2019 का कार्यकाल देखा हमारे समय का, लोगों ने ये देखा 2014 से 19 का कार्यकाल। हमने पहली बात तो हमने जब चुनाव लड़ा बड़ी दिक्कतें थी, क्या थी, ये जाट है, ये आज़ाद है, जाट नहीं बनता, आज़ाद नहीं बनता, तो हमने अब की बार वो दिक्कत भी नहीं आने की, क्योंकि हर आदमी ने देख लिया, 36 बरादरी ने देखा रविंद्र के अंदर कोई जातिवादी का कोई काम नहीं है, क्योंकि अब की बार ये तो चुनाव में उन्हें कोई समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बरादरी की किसी भी गांव में जाओ आप, चौपाड़ें, कोई चाहे किसी बरादरी का गली हैं, चौपाड़ हैं, पानी की है, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, जो हमारे से 2014 से 19 में काम हुए हमने सभी काम करे। और एक सबसे बड़ा काम हमने विधुर पेंशन का भी किया, जो जिसकी औरत का घरवाला मर जाए उसको पेंशन मिलती थी, तो हमने ये कहा भाई जिसकी औरत गुजर जाए उसको भी पेंशन होनी चाहिए, बच्चे तो उसने भी पढ़ने हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी होया करते, तो मुख्यमंत्री जी ने, हमने जब ये सवाल विधानसभा के अंदर किया लगाया, तो उन्होंने इस सवाल को मानकर अब वो विधुर पेंशन भी चालू कर दी है हमारी। और हमारे समालखा के अंदर हमने 84 में एक रैली कराई थी मुख्यमंत्री जी की, मनोहर लाल जी की, और जो हमने कॉलोनियों का दायरा बढ़ाने का काम किया था अपने यहाँ, तो वो अभी रविंद्र मछरोली ने ही किया था यहाँ, अभी जो दायरा बढ़ के आया है ये भी मनोहर लाल जी ने 84 उसमें वो कराया था। और आज तक जब हमारा कार्यकाल पूरा होया, पंजाबी धर्मशाला, फौजियों के लिए भवन, विवाह शादी का बैंक्वेट हॉल, गोल्डन पार्क, रेलवे स्टेशन का पार्क, सब जहाँ छोड़े थे हमारा कार्यकाल के बाद, आज तक कोई काम नहीं होया, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। आप जाकर पता भी कर लो, देख भी सकते हो आप। आपके सामने कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, बीएसपी का गठबंधन भी होगा, तो इन पार्टियों के बारे में आप क्या कहेंगे, इनमें से कौन सी अच्छी है जो देखो आपके पता सामने क्या पता क्या हम टिकट से चुनाव लड़ लिया तो सरकार आई नहीं, क्या करेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि मेरे समालखे का विकास होना चाहिए। विकास कब होगा? जिसकी सरकार होगी उसके साथ रहेंगे। हमारी तरफ से मायावती जी बनाओ, हमारी तरफ से चौटाला साहब बनाओ, हमारी तरफ से हुड्डा साहब बनाओ, कांग्रेस बनाओ, हमारी तरफ से बीजेपी बनाओ, हमारी तरफ से कोई बनाओ, जो सरकार बनाएगा सरकार में रहेंगे और जब काम होंगे जी। आज भी जो है आप कह रहे हैं कि खानपुर PGI के लिए बसें लगा रखी हैं। नहीं, अब थोड़ा, अब तो हॉस्पिटल बन रहा है हमारे। हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं हैं? अभी भी कमियां बता रहे हैं कि अभी भी कमियां हैं? देखो कमी तो क्या होता है, अभी 84 आए थे CM साहब जब रैली कराई मोर्चरी हाउस के, भी 5 करोड़ रुपए दे के गए थे यहाँ हमारे समालखा, ताकि पोस्ट हमारे समालखा हॉस्पिटल के अंदर पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं थी जो हमने हॉस्पिटल बनाया था। तो इसके बाद अब मोर्चरी हाउस का भी काम कंप्लीट होने वाला है और मोर्चरी हाउस भी जल्दी तैयार हो जाएगा। हल्के की जनता को आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो हल्के की जनता को ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे समालखे का एक इतिहास उठाओ आप। नलवा साहब दो बार बने, चौधरी कटार सिंह दो बार बने, धर्म सिंह जी दो बार बने और बढ़ाना साहब दो बार बने। यहाँ हमारे समालखे में दो बार बनता है जिसने चुनाव लड़ा,
वो दो बार ही बनता है, इसलिए हमने तो आप भी देखो 2014-24 से एक ही समीकरण है। तो दर्शकों ये थे रविंद्र मछरोली, पूर्व विधायक हैं, इन्होंने शुरुआत की थी बसें चलाने की, चक्कियां चलाने की, कपड़े महिलाओं को, बुजुर्गों को अपना साफा कुर्ता धोती देने की, और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चलाई थी, जिसका आज जो है पूरे देश में जो है वही रंग राजनीति का देखने को मिलता है। अब की बार भी ये दावे कर रहे हैं कि पिछली बार की तरह आगे इसी तरीके से विकास कराएंगे। देखते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा कि इस विधानसभा चुनाव में किस तरह की राजनीति रहने वाली है, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप रहने वाले हैं, और किस तरह का जातीय समीकरण रहने वाला है, और क्या रविंद्र मछरोली जो दावा कर रहे हैं कि दूसरी बार जो है यहाँ से विधायक जीतते आए हैं, तो क्या इनको भी मौका मिलता है। जगत महान न्यूज के लिए समालखा से तेजवीर सिंह, नमस्कार।